मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए जो द्वार खोलता है वो कोई बंद नहीं कर सकता। कई बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर निराश हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों को देखते हैं और हमें लगता है प्रभु अब मेरे लिए कोई आशा नहीं है, हो सकता है अब मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। बट आपको कहना चाहता हूँ, देयर इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। अपने आप को इतना ज्यादा असहाय महसूस ना कराइए, क्योंकि एक परमेश्वर है जो आपसे कहता है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है और जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मुझे याद है एक दिन की बात है जब परमेश्वर का एक बहुत अच्छा सेवक जिसका नाम पत्रस है, जिसने यीशु मसीह के साथ चलकर बहुत से अद्भुत आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखे हैं। उसने देखा है कैसे यीशु मसीह ने लकवे के रोगी को चंगा किया, उसने देखा कैसे उसने एक अंधे को चंगा किया, उसने देखा कैसे उसने लाजर को जिला दिया, उसने देखा कि कैसे यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को खिला लेते हैं। इन सब चीजों के बावजूद भी पत्रस, जो यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था, बाइबल बताती है उसने यहाँ तक कह दिया कि मैं प्राण देने तक तेरे साथ बना रहूंगा, पर वो एक दिन यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर बैठा और इतना निराश हो गया, उसे लगा शायद अब मैं सेवा के योग्य नहीं। पर आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना 21 अध्याय उसके 3 पद में वो कहने लगा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। पता है आज बहुत से विश्वासी, बहुत से अच्छे सेवक, बहुत से अच्छे जो प्रभु में चलने वाले लोग हैं वो आज मछली पकड़ने चले गए हैं। बहुत अच्छी दौड़ तो दौड़ रहे थे, बहुत अच्छी सेवा तो कर रहे थे, बहुत अच्छा जीवन प्रभु के साथ उन्होंने जिया, उन्होंने खादिमों को प्रभु के वचनों को बहुत करीब से जाना, पर उन सब चीजों के बावजूद वो आज मछली पकड़ रहे हैं, वो आज फिर से पुरानी जिंदगी में। मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने एक काम किया, यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद 3री बार फिर से उसी झील के किनारे गए, और जब उस झील के किनारे गए तो आज इसलिए नहीं गए हैं कि सिर्फ पत्रस को ये याद दिलाएंगे तू कौन है, पर आज इसलिए गए हैं कि पत्रस के लिए एक उपयोगी द्वार खोल सके। और लिखा हुआ है उसने पत्रस से कहा, पत्रस क्या तू मुझसे प्यार करता है, तो उसने कहा हाँ प्रभु मैं करता हूँ। उसने कहा कि मेरी भेड़ों को चरा, और 3 बार खुदावत यीशु मसीह ने यही बात उससे बोली कि तू मेरी भेड़ों की चरागाही कर। आपको बताऊं, चाहे आपने बहुत सी गलतियां की हों, चाहे आपने बहुत सी ऐसी चीजें की हों जो शायद प्रभु के सामने आप उन चीजों के लिए ठहर नहीं सकते हैं, पर आपको बताना चाहता हूँ देयर इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो खुदा आपको देगा और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। क्या था, ये वही पत्रस है जो एक दिन प्रभु से बहुत दूर चला गया था, पर धन्यवाद देता हूँ कि पत्रस ने उस उपयोगी द्वार को जब अपने लिए खुला देखा कि आज भी प्रभु चाहता है मैं उसके लिए, उसकी महिमा के लिए जीऊं, तो धन्यवाद देता हूँ कि उसने उन परिस्थितियों को अपने लिए अनकैश किया और उसने एक अद्भुत जीवन जीना शुरू किया। और एक समय आया कि प्रभु ने उसे इस स्तर तक पहुंचाया कि पत्रस जब शहर में, जब पत्रस गांव में जाता था, लिखा है कि लोग खाटों और खटोलों पर बीमारों को लाकर रखते थे और पत्रस की छाया से लोग चंगे होते थे। परमेश्वर आपको इसी रीति से इस्तेमाल करना चाहता है, बस परमेश्वर के उन खुले हुए द्वारों को देखिए और प्रभु से कहिए प्रभु मैं इनमें चलूंगा, और खुदा आपको बहुत इस्तेमाल करेगा। गॉड ब्लेस यू।